हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI द्वारा जो वैकेंसी आई है सहायक भर्ती की, ये 2022 का ऑनलाइन का फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, इन सब पे चलिए आज डिटेल में बात करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जीआरएफ की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ICAR IARI असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ICAR रिसर्च संस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के द्वारा असिस्टेंट के कुल 462 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी किया गया, यानी कि ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी किया गया है, देखिए मुझे ऑनलाइन आवेदन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे किसी भी स्टेट के हों, किसी भी शहर के हों, वो वहां से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म बेटर है ऑफलाइन फॉर्म के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, महत्वपूर्ण तिथियां। तो आवेदन शुरू कब से है आपका, तो यहाँ पे आवेदन आपका दिखा रहा है 7 मई 2022 से आवेदन आपका शुरू है। 7 मई 2022 से आप आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपकी 1 जून 2022। भुगतान परीक्षा शुल्क की भी अंतिम तिथि आपकी सेम है 1 जून 2022। सुधार तिथि यानी कि करेक्शन आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो 5 से 7 जून के बीच आपका करेक्शन हो सकता है। देखिए डेट्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर तारीख की आप बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पे 7 मई 2022 दे रहा है और लास्ट डेट आपकी 1 जून 2022 दे रहा है, तो बच्चे सोचेंगे कि चलो चलेंगे 15 मई या लास्ट टाइम चलते हैं, लास्ट वीक चलते हैं, 28 मई को चलते हैं, 29 मई को चलते हैं, 30 मई को चलते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे साइट सही से काम नहीं करती और आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते। इसलिए जैसे ही आपको पता चले आप फर्स्ट वीक में ही कोशिश किया करिए कि आप फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फोटो अपलोड नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते, दिक्कत आने लगती है साइट में, क्योंकि लास्ट टाइम पे साइट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है और फिर वो लोग क्या करते हैं, डेट भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो आपका सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि अगर आप फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाएंगे तो जॉब कैसे मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं परीक्षा तिथि की एग्जाम के बारे में, जून का अंतिम सप्ताह यानी जून के लास्ट वीक में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। देखिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मई में आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है, 1 जून तक चलता है और जून के ही लास्ट वीक में आपके एग्जाम भी हो जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क क्या है, तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1200 रुपए है, मतलब बहुत ज्यादा है। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 500 रुपए है और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए यहाँ पे 500 रुपए है। एससी एसटी के लिए कितना है, 500 है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1200 है और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 500 रुपए है। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। देखिए अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी पास के साइबर कैफे में जाएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, आप उनको कैश पेमेंट कर दीजिएगा अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें कैश पेमेंट कर दीजिएगा। उनके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मौजूद होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही उनके पास, तो वो आपका आवेदन शुल्क फिलअप कर देंगे, आवेदन शुल्क आपका जमा करा देंगे, आप उनको कैश में पेमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 20 और अधिकतम 30, यानी कि 30 से ज्यादा ना हो और 20 से कम नहीं होनी चाहिए, एज लिमिट्स की अगर हम बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रिक्त विवरण कुल कितने पद हैं, तो 462 पद हैं। पोस्ट का नाम क्या है सहायक, कुल पोस्ट कितनी है 462। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में आपकी स्नातक की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि अगर आप साइंस साइड है, आर्ट साइड है, कॉमर्स से हैं, तो आप
किसी भी स्ट्रीम में आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं श्रेणी वार रिक्त विवरण की। तो यहाँ पे जो ये सहायक पद की वैकेंसी है, इसमें हम देख सकते हैं कि जर्नल में काफी अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट है आपकी, 279 पोस्ट है यहाँ पे, यानी कि 289 आपकी पोस्ट है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आपकी 26 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 95 यानी कि 95 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 48 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 14 पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 462 पोस्ट है। तो जैसे कि बात करते हैं सहायक की, सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पे जनरल कास्ट के लिए है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है, फिर ईडब्ल्यूएस में है, और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि टोटल 462 पोस्ट है, यानी कि बहुत अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए आजकल के बच्चे ग्रेजुएशन तो हर हाल में कंप्लीट करते हैं, तो ये तो आपके पास पात्रता होगी ही, ये योग्यता तो आपके पास होगी ही होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई परसेंटेज का मैटर नहीं है, फर्स्ट डिवीजन किया सेकंड डिवीजन किया, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने प्राप्त किया हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपकी कंप्लीट हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा अगर आपकी ये योग्यता है। आज का वीडियो बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।